नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा सुबह का भूला अगर शाम को अपने घर लौट जाए उसे भूला नहीं कहते। सेम टू सेम हाल आज मलेशिया का हुआ है। मलेशिया ने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। शी जिनपिंग सदम चला गया। आखिरकार ये संभव कैसे? दोस्तों, जो मलेशिया कल तक चीन का गुण गा रहा था, अब जानते हैं मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद तो पाकिस्तान, चीन और तुर्की का गुलाम बन के रह गया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसी मलेशिया ने बहुत बड़ा चीन पे पलटवार किया है और बोला कि भारत तो महाशक्ति है, भारत तो महान देश है, बिना भारत के इस दुनिया में चलना असंभव है। दोस्तों, मलेशिया ने इशारों में कहा है कि अगर जो भारत को इग्नोर करेगा उसका अंत समय नजदीक आ जाएगा। और ओपनली कहा है कि चाइना छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ये गड्ढा है, खाई है, जो भी यहाँ पे जाएगा उसका कहानी खत्म हो जाएगा, उसी गड्ढा में वो गिर के मरेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मलेशिया के प्रधानमंत्री जानते हैं बिल्कुल नए हैं, इस्माइल याकूब। दोस्तों, इस्माइल याकूब ओपनली बिना डर से जो चीन के लिए कहा है ना, इसका तारीफ आज पूरे दुनिया कर रहा है। बोल रहा है कि देर आया लेकिन मलेशिया अब दुरुस्त आ चुका है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू जानते हैं कर हुआ क्या है, मलेशिया ने कहा क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में चाइना आज कहीं का नहीं है। चीन ने तो एक चाल चला था कि हम BRI लॉन्च करेंगे तो दुनिया हमें महाशक्ति मान लेगा, और जो भी गरीब देश है दोस्तों, दुनिया में आज भी लगभग 100 से अधिक देश है जो बेहद ही गरीब है। चीन को लगा था कि ये 100 देश हमें मसीहा मान लेगा और फिर हम रातों रात यूरोप अमेरिका का पासा ही पलट देंगे। भारत तो इस रेस में है ही नहीं, चीन तो कभी भारत को महाशक्ति माना ही नहीं। दोस्तों, ऐसे चीन का घमंड था, ठीक है, इसीलिए BRI लॉन्च किया। दोस्तों, 2013 के बाद BRI दोस्तों खूब चमका, यहाँ तक कि 2017 तक दोस्तों BRI का हर जगह गुंज गुज रहा था। और शी जिनपिंग हर दिन दोस्तों किसी न किसी देश का दौरा कर रहा था। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग दुनिया का सबसे अधिक दौरा करने वाला वहाँ के राष्ट्रपति बन चुका था चीन का। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, मोदी जी का सरकार आया, 2017 आया, डोकलाम विवाद हुआ, दोस्तों गेम यहाँ से पलट गया। सिंपल सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप आया और मोदी जी दोस्तों जिस प्रकार से रणनीति बनाए ना, चीन का तमाम जो भी सपना था सब धराशायी हो गया है, चीन का कहानी चौपट हो गया है। आज हाल ये हो गया कि दुनिया के तमाम देशों में चीन का BRI प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। दोस्तों, अफ्रीका में एक एक करके तमाम BRI प्रोजेक्ट बंद हो गया है और कई सारे देश बंद करने पे सोच रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है, नौजवान ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, बोल दिया कि अगर BRI रहेगा तो देश को हम जला देंगे, सरकार पहले इसे ख़त्म करे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, अफ्रीका में BRI के लिए तो हर जगह मोर्चा खुला हुआ है। आप जानते हैं यूरोप में जो इटली 2020 से पहले चीन को तो अपना परम गुरु मानता था, चीन का गुण गाता था, वो इटली भी दोस्तों आज BRI से हाथ पीछे कर चुका है, BRI को लात मार के भगा चुका है, चीन का साथ छोड़ चुका है। दोस्तों, हालत आज ये हो गया है कि पाकिस्तान में भी अब BRI प्रोजेक्ट दोस्तों, आप जानते हैं सीपेक बन रहा है, सीपेक अब बंद होने के कारण पहुंच चुका है। पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट था दोस्तों, अब उसे मैन पोर्ट नहीं बनेगा, उसे बड़ा पोर्ट नहीं बनेगा, अब ग्वादर की जगह अब कराची पोर्ट को बड़ा पोर्ट बनाएगा। सिंपल से बात करें तो पाकिस्तान में भी भगदड़ मचा हुआ है, लोग वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ है, रोज किसी न किसी चीनी इंजीनियर को मारा जा रहा है। दोस्तों, ये हाल दुनिया में चल रहा है। कह सकते हैं कि चीन आज कहीं का नहीं है, चीन हर देश में पैसा भी लगा लिया है और जबरदस्त बदनाम भी हो गया। कह सकते हैं कि चीन के दोनों हाथ में केवल गाली मिला है। दोस्तों, आप लोगों को सुना होगा दोनों हाथ में लड्डू मिला, लेकिन चीन के दोनों हाथों में केवल गाली मिला है। चीन बर्बाद हो चुका है, पैसा भी चीन का हर जगह फंसा हुआ है और हर जगह उसे भगाया जा रहा है। और शी जिनपिंग इसीलिए पगला है, आखिरकार ये चल क्या रहे भाई, आखिरकार हमारा जो भी सपना था वो तो चौपट हो ही गया है, बिल्कुल उल्टा कैसे हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं अमेरिका भारत रणनीति था वो कामयाब हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, मलेशिया पिछले कुछ दिनों से बहुत फुदक रहा था। दोस्तों, महाथिर मोहम्मद जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत से हम तमाम संबंध भी तोड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों मलेशिया में क्रांति आ क्या हो गया, महाथिर मोहम्मद को सबने लात मार के PM पद से भगा दिया, ठीक है। वहाँ पे नया PM बना, पता है कौन, जिसका नाम है इस्माइल याकूब। दोस्तों, इस्माइल याकूब बहुत ही सोझा समझा और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, कह सकते कि बहुत ही टैलेंटेड वहाँ के PM है। और बड़ी बात तो यह है, उन्होंने ओपनली ये बात कहा है कि भाई चीन का जो ये BRI है ना, उस BRI को हम रिजेक्ट करते हैं,
जिस प्रकार से भारत BRI को बहुत बड़ा खतरा मानता है, भारत के रास्ते हम भी चल रहे हैं, भारत हमारा रास्ता दिखाएगा, भारत हम मिल के काम करेंगे और चीन का BRI को दुनिया से साइड करवाएंगे, क्योंकि ये BRI वर्तमान का एक नया उपनिवेशवाद है। अब बोलेंगे ये उपनिवेशवाद क्या होता है। दोस्तों उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी ताकतवर देश या बड़ा देश छोटे मोटे देशों को या फिर गरीब देशों को अपने कब्जे में लेता है। पहले तो उस देश का विकास करने का नाम लेगा, बाद में थोड़ा बहुत विकास करेगा, फिर वहाँ का कल्चर संस्कृति खत्म करेगा और बाद में वहाँ का व्यापार चौपट कर देगा और फिर अपना तमाम वहाँ पे जो भी व्यापार है वो शुरू कर देगा, यानी कि खुद को हैंडल करेगा, बाद में उस देश का जो भी कहानी है वो सफाया कर देता है, उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद। दोस्तों मलेशिया ने कहा कि चीन का ये नया उपनिवेशवाद है BRI का जो देश खासकर समर्थन करता है समझो उसका अंत नज़दीक है, क्योंकि चीन दुनिया को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है और चीन को यहाँ पे रोकना ही होगा। अगर चीन इसी प्रकार से दुनिया को अपने जाल में फंसा के दुनिया को बर्बाद करता रहा तो दुनिया आने वाले समय में चीन के अधीन हो जाएगा, चीन सब पे राज करेगा। दोस्तों ओपनली मलेशिया ने कहा है कि चाइना की नीति सेम टू सेम इंग्लैंड वाला है, जो उस समय इंग्लैंड क्या कर रहा था, उस समय इंग्लैंड चाय पत्ती का व्यापार करने के बहाने हर जगह घुस रहा था और क्या था, उस देश को कब्जा कर रहा था। चीन भी BRI के बहाने हर जगह घुस रहा है और दुनिया को कब्जा कर रहा है। दोस्तों हाल ही में आप देखेंगे तो यहाँ तक कि मालदीव में भी अब BRI को रद्द करने की मांग चल रहा है। अब बोलेंगे तो आखिरकार मलेशिया के PM जो बयान दिया है उससे क्या होने वाला है और मलेशिया इतना बड़ा बोल्ड फैसला कैसे लिया, इतना बड़ा बयान क्यों दिया। देखिए मलेशिया को पता है जो चाइना ऑलरेडी ताइवान को धमका रहा है, रोज उसे आंख दिखा रहा है, जापान को धमकी दे रहा है, भारत को धमका रहा है। दोस्तों साउथ चाइना सी में हर देश परेशान है, चाहे वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, हर देश परेशान है। तो मलेशिया किस खत का मूली है, जिस दिन चीन का आग घुमा मलेशिया को पूरी तरह से धमका देगा, उस पर कब्जा करने का भी फैसला कर लेगा, तो उस समय मलेशिया किसके पास जाएगा। इसीलिए मलेशिया अभी से रास्ता बना रहा है ताकि उस पर मुसीबत आए तो भारत अमेरिका उसे बचा सके। इसीलिए मलेशिया अब भारत अमेरिका खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है और चीन पे कड़ा प्रहार कर रहा है। दोस्तों हम तो कहते हैं कि मलेशिया को फिर से अपने ग्रुप में रख लिया जाए, क्योंकि उस समय का PM कोई और था, अभी का PM कोई और है और ये PM सचमुच में चीन के लिए साक्षात्काल है। सिंपल सी बात कहे तो BRI पूरी तरह से असफल हो चुका है, क्योंकि चीन का दोस्तों कई बिलियन डॉलर हर जगह तो खर्च हुआ है। मान लीजिए आप कहीं पे निवेश करते हैं, क्यों, कमाने के लिए कि भाई हमें कमाने को मिले, लेकिन चीन यहाँ पे निवेश किया कमाने के लिए और हर जगह उसे केवल गाली सुनने को मिला है, कमाई तो नहीं हुआ है, हर जगह केवल उसे गाली सुनने को मिला है। और चीन का इस प्रकार से दोस्तों बेइज्जती, कह सकते हैं कि चीन का इतिहास देखेंगे ना तो चीन को इतिहास में इतना गाली कभी नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये चीन के लिए सबसे बुरा दौर है।